क्या ये सुनकर हैरानी नहीं होती कि कोई देश सिर्फ 6-7 दिन में एक बड़ा अस्पताल तैयार कर सकता है? विश्वास नहीं होता ना, लेकिन सच है। चीन का वुहान शहर इस वक्त एक खतरनाक वायरस की चपेट में है, जहां 2000 से ज्यादा लोग वायरस से संक्रमित हैं और 80 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। शहर के अस्पताल भर रहे हैं और दवाइयां भी खत्म होने की कगार पर हैं। लेकिन इसी बीच चीन के सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि चीन 6 दिन में 1000 बेड का एक अस्पताल तैयार करने जा रहा है। सरकारी मीडिया ने इसकी वीडियो भी ऑनलाइन पोस्ट की है। कहा जा रहा है कि 3 फरवरी तक अस्पताल तैयार हो जाएगा। ये वैसा ही अस्पताल है जैसा 2003 में सार्स वायरस के फैलने के वक्त चीन ने बीजिंग में 7 दिन के अंदर बना लिया था। उसी तरह से अस्पताल भी प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग से बनाया जाएगा। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के सीनियर फेलो यान जुहोंग हुआंग कहते हैं कि चीन का रिकॉर्ड है इस तरह की बिल्डिंग्स को जल्द से जल्द बनाने में। ये अथॉरिटेरियन देश की अप्रोच ऐसी है कि जब जरूरत हो तो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस और किसी आर्थिक पाबंदी या सीमा से निकल कर सब संसाधन लगा देता है। उन्होंने बताया कि टाइम से पूरा करने के लिए कई देशों से इंजीनियर बुलाए गए हैं। इंजीनियरिंग के काम में चीन उम्दा है। चीन के पास स्काई स्क्रैपर इमारतें भी जल्दी पूरा करने का रिकॉर्ड है। पश्चिमी देशों के लिए ऐसा सोचना मुश्किल है। जहां तक मेडिकल सप्लाई की बात है, वुहान में दूसरे अस्पतालों से ली जा सकती है या आसानी से फैक्ट्री में मिल जाएगी। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 150 मेडिकल पर्सनल वुहान आ चुके हैं। 2003 में बीजिंग में सार्स वायरस के फैलने के बाद 7 दिन में अस्पताल बनाया गया और कहा जाता है कि यह वर्ल्ड रिकॉर्ड था। 4000 लोगों को लगाया गया था जो दिन रात निर्माण कार्य में जुटे थे। इसमें एक्सरे रूम, सीटी रूम, आईसीयू और लैब बनाई गई थी। 2 महीने के अंदर पूरे देश के कई मरीज यहां दाखिल किए गए। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के लेक्चरर जॉन कॉफमैन ने बताया कि सार्स के वक्त लोकल एरिया ने अपना अपना खर्चा उठाया था, लेकिन केंद्र से बहुत सी सब्सिडी मिली थी। फिलहाल कोरोना वायरस से निपटने के लिए इसके अलावा भी चीन ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कई धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है, फॉरबिडन सिटी और ग्रेट वॉल का हिस्सा बंद कर दिया गया है। चीन के नए साल का वक्त है, छुट्टियां हैं और इस वक्त लाखों लोग अपने घर जाते हैं, इसलिए ये प्रिकॉशनरी कदम उठाए गए हैं। वुहान शहर को तो पूरी तरह बंद कर दिया गया है, वहां की फ्लाइट और ट्रेन सर्विस भी रोक दी गई है। सोशल मीडिया पर वीडियो हैं जिनसे पता चलता है कि अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि चीन की पब्लिक हेल्थ सर्विस बेहतरीन है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की पिछले साल जून महीने की एक रिपोर्ट बताती है कि जो 2300 टॉप टायर सरकारी अस्पताल हैं, वे अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम कर रहे हैं और 950,000 लो टायर हॉस्पिटल्स जैसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और क्लिनिक्स में मरीज कम आते हैं।